तो दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, हारमोनियम खरीदे हैं मैंने। ये फर्स्ट हारमोनियम मेरी, अब तक मैंने हारमोनियम खरीदी ही नहीं थी, तो मैंने इसकी जस्ट मैंने पूजा कर ली। ये बैग से मैं इसको हटाता हूँ, ये बॉक्स में आया पूरा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत कम बैग। इसका वजन होगा दोस्तों तकरीबन 15 से 20 किलो तक होगा ही होगा, ठीक है। और इसकी आप खासियत देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो एक तरीके उन्होंने कोड भी दिए, आप चाहे तो इसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो 00 पे रखा है, अगर कोई बच्चे वगैरह हो तो अगर किसी ने छेड़खानी नहीं करनी चाहिए हारमोनियम के साथ, इसके लिए इन्होंने कोड दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, फिलहाल हम इसको खोल देते हैं, ठीक है। पहले इसको इसको हम रख देते हैं साइड में, ठीक है। ओके, ये हमने इसको जो साइड पैनल है इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, जो कि हमने हटा दिया। और यहाँ ये हारमोनियम है ज़बरदस्त, ठीक है। इसको अभी सबसे पहले हम फोल्ड किया, अनफोल्ड कर देते हैं। तो अनफोल्ड करने का तरीका है कि क्लिप्स को उठाओ, लेकिन इस समय ध्यान रखना है कि हमारे एक एक उंगली ऊपर भी होनी चाहिए। अगर ऊपर उंगली नहीं रही यहाँ पर तो हम बाद में इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और ये मैंने इसको खोल दिया, परफेक्ट, अब ये फिक्स हो गए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है, जस्ट या जो आवाज़ है खर्जे की आवाज़ इसमें परफेक्ट आ रही है। हम चाहे तो सिंगिंग स्टाइल से बहुत ही बढ़िया हारमोनियम, अगर गाना चाहे तो गा सकते हैं, इसे प्ले करना चाहे तो प्ले कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ, तो इसमें ऐसा है दिक्कत कि ये फर्स्ट हारमोनियम, ये पहली बार बजाया मैंने हारमोनियम लाइफ में। और ताज्जुब की बात ये है कि आपको लग रहा होगा, मतलब मुझे भी बहुत लोग ऐसे कहते कि ये कैसे संभव है कि आपकी ये फर्स्ट हारमोनियम है, मतलब आपका नेट हो चुका है, आप म्यूज़िक के इतने बड़े मास्टर है, तबला विशारद है, और क्लासेस ले रहे इतने सालों से, इतने लोगों को मैं सिखा चुका हूँ यहाँ पर मेरी सिटी में, होम टाउन अकोला में, और यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा जो है रिस्पांस आ रहा है, बहुत लोग सीखे हैं, हारमोनिका सीखे हैं मुझसे, गिटार सीख रहे हैं बहुत से लोग, पियानो सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास हारमोनियम था ही नहीं, और ये आप बोल रहे हैं कि अभी 2021 में फर्स्ट टाइम आप हारमोनियम प्ले, ये मैंने पहली बार बजाया, इसलिए मेरी उंगलियाँ कहीं कहीं जगह पर स्लिप भी हो गई। अब 3-4 दिनों में मैं देखना, हम जलवा करने वाले, बहुत खतरनाक। तो ये कैसे होता है, मेरा अगर बेसिक क्या पक्का है मैं आपको बता दूँ, मेरा बेसिक जो है गॉड गिफ्टेड हूँ मैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं लेता हूँ फर्स्ट टाइम, जैसे कोई भी चीज़ अगर मैंने ले ली, तो कुछ ही दिनों में, जस्ट कुछ ही दिनों में
मैं उस पर बड़ी अच्छे से महारत हासिल कर लेता हूँ कि किसी को भी ऐसा लगे कि शायद ये आदमी 800 से सीखा होगा या बजा रहा होगा। ये इसलिए होता है कि मेरी थियोरी जो है म्यूज़िक की, थियोरेटिकल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पक्का है पहले से, बचपन से, और गॉड गिफ्ट भी है उसकी वजह से। उसके बाद मैंने 10th के बाद म्यूज़िक ही ले लिया, और 11th फिर 12th फिर डायरेक्ट ग्रेजुएशन म्यूज़िक से, फिर MA, फिर नेट किया मैंने म्यूज़िक से। तो उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, गुरु भी अच्छे हमको मिले, तो उनकी वजह से हुआ ये कि मेरा जो थियोरी, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं थियोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, भाई प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से मैंने कभी भी उतना ऐसा नहीं समझा है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, यह बैलेंस होता है। थियोरी और प्रैक्टिकल एक ही बात होती है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर थियोरी की हम बात करें, थियोरी ये होता है कि आपको हर चीज़ के बाल की खाल वो बता रहा है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, सा सा क्यों है, प प क्यों है, ये आपके दिमाग ना आप सवाल करते हैं गुरु से ना आप उसका आंसर आपको पता होता है। ठीक है कि अगर सी फॉरेन वाले बोलते हैं हम उसको सा क्यों कह रहे हैं, हर चीज़ के पीछे क्वेश्चंस आने चाहिए आपके दिमाग, क्यूरियोसिटी है नहीं आजकल के विद्यार्थियों में कि ग अंडरलाइन क्यों होता है, मतलब वो कोमल क्यों है, और सा क्यों कोमल नहीं हो सकता है, प क्यों कोमल नहीं हो रहा है, फिर आप बोलेंगे अचल सुर है, सिर्फ इससे आंसर नहीं होता है, ये कौन है बनाने वाला, क्यों ऐसा बनाया उसने, भास्कर जी ने ऐसा ही क्यों बोला, क्यों पहले के उस्ताद इस तरह से करते थे कि लोगों तक संगीत पहुंचने नहीं दे रहे थे, भास्कर जी ने घर घर जाके उनके गुरुओं के दार दरवाजे खटखटाए और फिर उनसे चुरा चुरा के नोटेशन लिखे, क्यों करे उन्होंने ऐसा, और सबके लिए खुला करा संगीत, पहले खुला नहीं था, ओपन नहीं था। आपको क्या लगता है स्कूलों में कॉलेजेस में म्यूजिक पढ़ाया जाता था? बिल्कुल नहीं, सिर्फ खानदानी होता था, घरानों में ही पढ़ाया जाता था, जैसे बंदिश बैंडिट्स में दिखा। तो ये सारे बहुत म्यूजिक बहुत वास्ट है, जितना साइंस होता है ना कोई भी फील्ड, जैसे MBBS है, जैसे इंजीनियरिंग है, वैसे ही म्यूज़िक की भी बहुत खतरनाक फील्ड है। तो इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी मिस्ट्रियस भी चीज़ें हैं जो किसी को पता नहीं है, और अगर पता भी है तो उनके बीच में मतभेद है, विवाद है। तो ये सारा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से था, तैयार था मैं, कॉलेज में बहुत किताबें पढ़ी मैंने म्यूज़िक की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पास अब पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे महंगी हारमोनियम मैंने खरीदी, इतनी महंगी हारमोनियम। तो जैसे ये चीज़ है ये कभी ख़राब नहीं होगी, आपको पता है हारमोनियम, पियानो का कोई भरोसा नहीं होता किस दिन वो प्ले आप बटन दबाए और वो शुरू ही ना हो, बोल नहीं सकते, इसका ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। अगर कुछ काम भी पड़ा, थोड़ा सा एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हम दुकान में जाके दिखा देंगे या खुद से ठीक कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग के साथ ये छोटी मगर बहुत मोटी बात है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी थी, सो मैंने आपके साथ शेयर करी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अब आगे चल के हम हारमोनियम के गाने भी करेंगे, प्ले करेंगे, सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।